तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज देखिए बोड़ी, इसका बोंडा, बोड़ी, टोड़ा, टोड़ी कुछ भी कहते होंगे, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मेरे इधर इसको बोंडा कहते हैं। तो आज जो है इसको मैं तोड़ रहा हूँ। आइए दिखाते हैं आप लोगों को जो है कितने तादाद में खड़ी हुई हैं। और देखिए यहाँ पे, देखिए इसका कलर कुछ डिफरेंट है सबके बोंडों से, कुछ अलग डिफरेंट तरीके से इसका कलर है। और इसका जो सब्जी होता है वो खाने के बाद आप शायद हवा में उड़ने लग सकते हैं। मैं तो उड़ता हूँ आपकी पता नहीं, अगर आप भी फिट और स्लिम होंगे तो हो सकता है। और देखिए कितना ज़्यादा जो है फ्राई हुई है, मैं तो इसको तोड़ता हूँ। और देखिए लगभग ये हो गया, कितना हो गया होगा, शायद एक पाव हो गया होगा। और यहाँ से वहाँ तक सब जो है लगी हुई है। अगर हाँ इधर आइए, इधर कैमरामैन फोकस कीजिए, कैमरामैन और मैं जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग आइए। और अगर बोना चाहिए तो प्लीज़ आइए, मैं से मिलिए और लेकर जाइए फ्री में। लेकिन हाँ मैं तोड़ के नहीं दूंगा, आपको खुद तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे है और सिर्फ आप आइए तो लेकर जाइए बस, ठीक है। और इधर देखिए रिस्क भी है, इधर अगर इधर जो है थोड़ा सा अगर पैर फिसला तो भाई देखो इस तालाब जो है उसमें डूबने की कोशिश मत करना, डूबिएगा मत। और आए अरे कौन कर रहा है यार, इसमें क्या है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा यार। उधर सब पानी ही पानी है, फायरी मार दिखा एक टू, गौर फरमाइए गौर फरमाइए। तो मछलियों को जीने के लिए बहुत ही जरूरी होता है पानी, और मैं जानता हूं आपको बहुत ही पसंद है आपकी नानी, पानी मारो भाई। चलो एक मैं तुम्हें बताऊंगा, अगला शायरी बोल दूंगा। चलो बंद करते हैं, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। और देखिए जो है बॉडी टूट चुकी है, और इतना बस मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो व्रत नहीं रखता हूँ, तो इतना मैं सिर्फ मैं ही खाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अरे तो दोस्तों यार बहुत थक गया हूँ, इतना दौड़ने से हालत ख़राब हो गई है। और इसको खाते हैं,